नई जो योजना है जिसके कारण अमृत, जिसके अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन, इसका इस बजट में प्रावधान किया गया ताकि जो हमारे जो स्टेशन है जहाँ पे हमारा जो यात्री से इंटरफेस है वो एक बहुत अच्छा उनको सुखद अनुभव हो और एक उनको भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का जो है अनुभव हो। कुछ बड़े स्टेशन, छोटे स्टेशन और मीडियम स्टेशन, छोटे स्टेशन सभी को अलग अलग माध्यम से जो है अलग अलग फैसिलिटीज के हिसाब से सुसज्जित किया जाएगा ताकि लोग जो वहाँ पर ट्रैवल करें उनको जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। इसके साथ जो है भारतीय रेल जो है जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो लेती है उसके लिए मेगा सोलर पार्क, इसका प्रावधान भी किया गया है कि हम जो हमारा जो लैंड है, सरप्लस लैंड है, वहाँ पे हम सोलर पावर के जो है स्टेशंस लगाएं ताकि जो हम बिजली की खपत जो अपने यहाँ पे लेते हैं उस पर जो है हम जो है सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है जिसमें एक अहम जो कॉरिडोर है जनजाति गौरव कॉरिडोर, इसके अलावा एनर्जी कॉरिडोर है, सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ है उसके लिए विशेष कॉरिडोर की बात की गई है। साथ साथ टूरिज्म जो कि एक बहुत बड़े तरीके से प्रमोट किया जा रहा है उसके लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं कि जिस तरह से हमारी भारत गौरव ट्रेन चल रही है, रामायण सर्किट चल रहा है, उस तरह से नए और सर्किट को डेवलप किया जाए और लोगों को टूरिज्म के प्रति और आकर्षित किया जाए, जिसमें रेल की भी सक्रिय भूमिका है।